हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल जेएम ट्यूटोरियल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो अभी हमारा सेशन चल रहा है वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो पेंटागोनल प्रिज्म से है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार। ए पेंटागोनल प्रिज्म साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सिस हाइट 60 mm इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड यानी HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर द प्रिज्म इनक्लाइंड विद 45 degree टू द HP ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास शेप। शेप कैसा है, एक पेंटागोनल प्रिज्म। ओके, बेस दिया हुआ है 40 mm और एक्सियल हाइट यानी एक्सिस हाइट दिया हुआ है 60 mm और ये इसका जो कंडीशन दिया हुआ है बोल रहा है एज ए कॉर्नर। अब एज ए कॉर्नर यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊंगा। और ये इंक्लाइंड है, एंगल इंक्लाइंड है 45 degree टू द HP यानी HP से क्या है ये 45 degree इंक्लाइंड है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, XY लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए मैंने ड्रॉ करके XY लाइन रखा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, टॉप व्यू बनाऊंगा। तो टॉप व्यू कहाँ ये रेस्ट कर रहा है, तो ये रेस्ट कर रहा है HP में। ये कहाँ है, HP में यानी XY के नीचे। XY के नीचे क्या होता है, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, और XY के नीचे ऊपर क्या होता है, VP यानी वर्टिकल प्लेन। तो ये देखिए हो चुका है। तो ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म बनाऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज करके हम बनाते हैं पेंटागोनल प्रिज्म, आप खुद से बना लीजिएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, अब हमारा बन चुका है पेंटागोनल प्रिज्म। अगर आप नहीं जानते पेंटागोनल प्रिज्म बनाने के लिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्या कीजिए आप, बेस कितना दिया हुआ 40 mm वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप चांद की सहायता से 72 degree बाहर से आप क्या कीजिए, दोनों तरफ से आप ले लीजिए। ओके, पॉइंट मार के इधर से भी 40, इधर से भी 40। उसके बाद क्या कीजिए आप, किसी भी इसके एक एज को नापिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, और यहाँ से भी आप कट कीजिए, और एक बार यहाँ से कट कीजिए, ठीक है। उसका दोनों को मिला दीजिए उस पॉइंट पे, ओके, जहाँ कटान बिंदु है। ओके, तो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको एक्सियल हाइट निकालने के लिए इसका मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले मैंने पता क्या था स्क्वायर प्रिज्म के लिए, तो वो वेरी सिंपल था कि इसका अपोजिट जो कॉर्नर है एक दूसरे में मिला देंगे। लेकिन इसका अपोजिट कॉर्नर कौन सा है इसमें पता ही नहीं चल रहा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। ओके, तो ये देखिए ये क्या है, विषम है। देखिए विषम है इसका बेस आधार 1 2 3 4 5, यानी विषम वाले जितने भी आधार रहेगा उसका बेस मालूम करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये देखिए ये क्या है, एक कॉर्नर। ओके, ये क्या है, एक प्रिज्म का कॉर्नर है पेंटागोनल प्रिज्म का। तो इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट सामने वाला कौन सा है, ये है। इसके सामने वाला एज कौन सा है, ये। तो इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए, ये जैसे 4 है। ओके, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस बेस का मिड पॉइंट 20 होगा। तो 20 आप या तो किसी भी इससे कर लीजिए। ओके, ये कितना था 40, तो 40 का हाफ कितना होगा 20, तो यहाँ पे मार्क होगा। ओके, और यहाँ से आप मिला दीजिए, ये आपका एक तो हो चुका है, एक और मालूम होना चाहिए। तो कोई भी आप ले लीजिए, जिसमें ये मैं लेता हूँ। ओके, तो इसके जस्ट सामने कौन सा एज है, ये। ओके, तो इसका मैं हाफ करूँगा, ये भी 40 है, एज तो सब एक ही है, तो ये भी 20 कर दूँगा। और मैं इसे भी क्या करूँगा, यहाँ से मिला दूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक मिड पॉइंट निकल चुका है। यहीं से हमारा क्या होगा, एक्सियल हाइट ड्रॉ होगा। ओके, तो एक्सियल हाइट कितना दिया हुआ है, तो एक्सियल हाइट हमारे पास दिया हुआ था 60 mm। ओके, तो मैं एक्सियल हाइट 60 mm यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा। ओके, ऑल राइट। तो एक्सियल हाइट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, चैन ग्रुप में, तो वो भी हम दिखा देंगे। तो ये देखिए हो चुका है, एक्सियल हाइट मैंने दिखा दिया 60 mm। अब क्या करते हैं, हम इसका लूप बंद कर देते हैं। ओके, XY लाइन के एकदम पैरेलल आपको रखना है रोल एंड रो को, और इसका लूप आपको बंद कर देना, यानी इसी के अंदर जितना भी एज जाएगा पेंटागोनल प्रिज्म का इसी के अंदर रहेगा। ओके, बात सुन भाई, अब इसके पैरेलल रखना है आपको रोल एंड रो को, और इस पॉइंट से एक जाएगा एज, इस पॉइंट से एक जाएगा एज, एक इस पॉइंट से। ओके, तो इसके पैरेलल आप रखिए रोल एंड रो को, और आप ड्रो कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक 2H पेंसिल, फिर यहाँ से यहाँ तक HB पेंसिल। ओके, और फिर यहाँ से 2H और यहाँ से यहाँ तक HB। ओके, तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ, ये मिल जाएगा एक दूसरे से। ओके, ऑल राइट, यहाँ से यहाँ तक 2H पेंसिल और यहाँ से यहाँ तक HB पेंसिल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फालतू जो है इसे हम इरेज कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इरेज कर लिया है। अब क्या करना है, आपको नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए आपको सिंपल मैंने बताया, चूंकि ये प्रिज्म है भाई, तो जो ऊपर है वो नीचे भी होगा। ओके,
तो इसमें क्या होगा, डबल नेमिंग होता है। तो इससे पहले हर एक वीडियो मैंने बताया डिटेल से, इसमें थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, ओके, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर जो हम एक नेमिंग करते हैं ए अल्फ़ाबेट, बी सी डी ई, ओके, तो दूसरा नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप किसी, आप जैसे आप इसको रखना चाहते हैं टॉप टॉप वाला, ओके, ए बी सी डी को आप टॉप नेमिंग रखना चाहते हैं और 1 2 3 को आप बॉटम व्यू रखना चाहते हैं, तो बॉटम व्यू वाला क्या होगा, हमें नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट में, मैंने पिछले लेक्चर में क्लियरली बता चुका हूँ मैं, तो जो नहीं दिखेगा वो उसे छोटी ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे, ओके, एग्जामिनर जो चेक करेगा आपको कॉपी उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बॉटम व्यू का नेमिंग है, ओके। अब उसी प्रकार सिमिलरली इसके एज का हमें नेमिंग करना है, एज, ओके, तो एज का भी नेमिंग करते हैं। तो एज, एज क्या होता है वो मैं हर एक वीडियो में क्लियर किया हूँ, ओके, तो आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये क्या है आपका बॉटम व्यू, ये क्या है टॉप व्यू, तो मैं बॉटम व्यू का पहले नेमिंग करता हूँ। तो बॉटम व्यू क्या है हमारा, 1 2 3 4, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 डैश, क्योंकि वी पी में जब नेमिंग करते हैं तो डैश में करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 डैश, और ये क्या है 5 1 5 5 डैश, ये 2 और 4, तो 2 डैश और 4 डैश और ये 3 डैश। यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्या है कि 1 और 5 में कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, इसका सिंपल सा एक फंडा है कि भाई एक्स वाई एक्सिस के जो नज़दीक रहेगा वो नहीं दिखेगा, यानी 1 और 5 दोनों में से एक्सिस के नज़दीक कौन सा है, एक्स वाई एक्सिस के नज़दीक, तो 5, तो 5 क्या होगा एज, 5 एज हमें नहीं देखेगा, 5 जो एज है वो छुपा हुआ रहेगा। और 2 और 4 में कौन सा नज़दीक है एक्स वाई लाइन के, एक्स वाई एक्सिस के, तो 4, तो 4 भी हमें क्या होगा नहीं दिखेगा, और ये तो खैर एक ही एज है तो ये तो दिखेगा ही क्लियर, ओके। उसी प्रकार सिमिलरली हम टॉप व्यू का नेमिंग करेंगे, टॉप व्यू क्या है हमारा ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश और क्या है ई, तो ई डैश, ई हमें क्या होगा नहीं दिखेगा क्योंकि एक्स वाई लाइन के नज़दीक है। अब एज ए रूल आप समझिए, ये एक रूल है, ओके। अब बी और डी, तो बी डैश डी डैश, क्योंकि डी क्या है नज़दीक है, तो ये भी हमें नहीं दिखेगा एक्स वाई एक्सिस के नज़दीक है, ठीक है। सी, यहाँ तो खैर एक ही नेमिंग है तो ये तो दिखेगा ही, एक ही एज है, ये तो एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा, ये देखिए मेल खा रहा था, तो एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, ओके। सो अब क्या करूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये इंक्लाइंड कितना इंक्लाइंड है, टू द एच पी, यानी एच पी से कितना 45 डिग्री। तो कहीं पर भी आप पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लिया, ओके, अब यहाँ से 45 डिग्री मैं ले लूँगा, मार्क कर लूँगा, और 45, ओके, ऑल राइट। अब मैं यहाँ से एक बैग बिना किसी डायमेंशन का, कोई भी डायमेंशन का, मैं एक लंबा सा लाइन खींच दिया हूँ 45 डिग्री का, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस चांद को 90 डिग्री पे रख करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बिना डायमेंशन के, अभी मैंने डायमेंशन नहीं मेजर किया है, ओके, तो चलिए ये बिना डायमेंशन का मैंने किया है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सियल हाइट है ये डैश वाला, यहाँ से हम क्या करेंगे मेजर करेंगे, ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, ओके, और यहाँ पे रखूँगा चाप को और यहाँ पे कंपास को रख करके कट करूँगा, ओके। सिमिलरली अब यहाँ से यहाँ एक्सियल हाइट तक मेजर करूँगा, ओके, ये देखिए एक्सियल हाइट का जो था डैश डैश वाला, यहाँ तक मेजर किया और यहाँ पे रख करके इधर भी कट कर दूंगा, तो ये देखिए क्या है, ये हमारा क्या जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे और ऊपर लूँगा, ओके, इस लाइन को मैं और ऊपर लूँगा, तो ये देखिए मैंने क्या क्या है, यहाँ से आप रफ करना पड़ा हमको क्योंकि ये एक्स वाई लाइन के नीचे जा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू रूल समझ लीजिए आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ तक मेजर करूँगा और यहाँ से यहाँ तक कट करूँगा, ओके, तो ये देखिए कट हो गया, ओके। सिमिलरली यहाँ से फिर एक्सियल हाइट तक मेजर करूँगा, ओके, या यहाँ से आप मेजर कीजिए या यहाँ से मेजर कीजिए, बात तो एक ही है, ओके। तो अब क्या करूँगा, फिर यहाँ से कट करूँगा, ओके, तो आप देखिए ये एक्स वाई लाइन के नीचे नहीं गया, ओके। तो अब फिर एक बचा हुआ ये वाला, ओके, एक और एज बचा हुआ है 2 4 वाला, तो ये क्या है 2 4, तो 2 4 हो गया, ओके। अब क्या है, ये एक्स वाई
एक सी साइट है, तो इससे मैं डैश डैश ग्रुप में पहले मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने डैश डैश ग्रुप में दिखा दिया। ओके, अब क्या करना है आपको, आपको एक्सियल हाइट जो दिया हुआ था 60, इसको मेजर कीजिए और यहाँ से आप कट कीजिए। ओके, ये यहाँ कट हुआ। ओके, अब क्या करना है आपको, रोल एंड रोक रखना है और इसका बिंदु क्या करना है, बंद कर देना है, क्योंकि इसी के अंदर ही होगा जो भी एज होगा। ओके, तो ये मैं इससे भी क्या करता हूँ, इसके बिल्लूप को मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बंद हो गया। अब फिर इसके पैरेलल लेना है रोल एंड रो को एक्सेल लाइट के, और फिर यहाँ से यहाँ मिला देना है। ओके ओके, ये देखिए मिल चुका है, और एक एज यहाँ पे है और एक एज यहाँ पे है, हो चुका है। ऑल राइट, अब मैं इसका भी नेमिंग कर ही देता हूँ, इतना कर ही लिया हूँ। तो ये क्या है, ये क्या था, 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डैश। ओके, ये 2 4, तो 2 डैश एंड 4 तो ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट में ही रहेगा 4 डैश। और ये क्या था, ये तो एक्सेल हाइट है, इसका कोई नेमिंग नहीं था, ये 1 डैश और 5 डैश, ब्रैकेट में था 5। और ये क्या है, ए डैश और ई डैश, राइट, ए डैश और ई डैश, ई क्या था, ब्रैकेट में था, यानी नहीं दिख रहा था। और इसका नेमिंग करते हैं, इसका क्या था, बी डैश एंड डी डैश, ये क्या था, सी डैश। ओके, अब क्या करना है आपको, जितने भी कोड आपको पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं इस प्रोजेक्शन का, ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, एक सभी से लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट हो गया, 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 सब इस क्या करूँगा मैं, लाइन नीचे ड्रॉ करूँगा। ओके ऑल राइट, तो ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पैरेलल आपको रखना है, एक्सेल हाइट के पैरेलल आपको रखना है रोल इन ड्रो को, और सभी पॉइंट से क्या करना है, लाइन नीचे ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरह लाइन आएगा, एक छोटा हुआ था ये वाला, ओके, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच रहा था, तो मैं फिर से लूंगा इसे। तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, आप इसे बहुत बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कितना सटा सटा हुआ एज है। ओके, तो ये हो चुका है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसके पैरेलल आपको रखना है, एक्सपायरी लाइन के पैरेलल आपको रोल एंड ड्रॉ रखना है, और इस ऑब्जेक्ट जो टॉप व्यू बॉटम व्यू था, इससे भी आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है सिमिलरली। ओके, मैं इसे बाद में बढ़ा दूंगा, क्योंकि इंच मेरा रोल एंड ड्रॉ छोटा पड़ रहा है, कॉपी पे छोटे वाले रोल एंड ड्रॉ से ही बता पाऊंगा, क्योंकि बड़े वाले से नामुमकिन है, दिक्कत आ जाती है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अब इसे भी बढ़ा दूंगा। ओके, अब मैं इस प्रोजेक्ट पे जो जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, इस लाइन पे मैं इसका नेमिंग करने के लिए बता देता हूँ। ओके, तो अब पहले हम टॉप व्यू का करते हैं। ओके, यानी वन ए बी सी डी का। ओके, तो ए यहाँ से आप चलिए, जहाँ ए आएगा आप रुक जाइएगा। ओके, तो इधर से ए कहाँ है, ये वाला। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए, ए और ई यहाँ पे था ना, तो ए और इधर से ए कहाँ पे है, ए और इधर से ए यहाँ पे है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ए, ये देखिए यहाँ से ए और यहाँ से ए। ओके, सिमिलरली बी और इधर से कहाँ पे बी है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी। सिमिलरली सी, इधर से चलिए यहाँ, इधर सी। ओके, ये हमारा हो गया सी। अच्छा, डी यहाँ से आप चलते रहिए, डी जहाँ पे आता है रुक जाइए, तो ये रहा डी। ये देखिए यहाँ से डी और यहाँ से डी, तो ये हो गया इसका भी पॉइंट डी। ई, ई चलते रहिए आप, ई जहाँ पे आए आप रुक जाइए, तो ई कुछ, ये देखिए ऊपर से आप, ई कहाँ पे है, आइए 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 यहाँ पे। ओके, तो ये मिल चुका है ई। ओके, तो ये मिल चुका है ए बी सी डी ई। ओके, अब हम आप बॉटम व्यू का आप नेमिंग करेंगे, 1 यानी 1 2 3 4। तो 1 यहाँ से 1 कहाँ है, ये, तो ये क्या हो चुका है, 1। ओके, 2, तो 2 और इधर से 2, यानी ये रहा 2। सिमिलरली 3, आप यहाँ से 3 और इधर से 3 कहाँ है आपका, ये रहा। ओके, 3। ओके, सिमिलरली 4, यहाँ से 4 यहाँ है और इधर से 4 यहाँ है, तो ये हो गया आपका 4। और 5, तो 5 यहाँ से है और
फाइव यहाँ से, यानी इसका बिंदु पॉइंट यहाँ है फाइव। अब क्या करेंगे, बाहर वाले जितने पॉइंट है सबको मैं क्या करूँगा, लूप बंद कर दूंगा। तो मैं इसका लूप बाहर वाले जितने पॉइंट मिले हैं सबको मैं क्या करूँगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि ये दिखेगा। तो ये अब देखिए मैंने बाहर का सभी लूप लूप जो है हमें दिखेगा, क्योंकि इसीलिए मैंने इसे सभी को मैंने क्या किया, मिला दिया आपस में। ओके, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह होगा, आपको नेमिंग भी क्लियर दिख रहा है। ओके, देख लिए। ओके ऑल राइट, अब अंदर वाला कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा वो हम कैसे जानेंगे, वेरी इजी। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए क्या है, आप टॉप व्यू बॉटम व्यू में आइए। देखिए ए बी सी डी को आपने क्या बोला, ए बी सी डी को आपने क्या बोला, ए बी सी डी को ए बी सी डी को आपने बोला था टॉप व्यू, और वन टू थ्री को बॉटम व्यू, यानी बॉटम व्यू नहीं दिखेगा। यानी वन टू थ्री से आपको क्या होगा, वन टू थ्री आपको नहीं दिखेगा, यानी आपको नंबर वाले जितने भी है वो क्या होगा, डॉट डॉट में होगा, और ए बी सी डी वाला क्या होगा, दिखेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर में क्या है, ई और ए। तो ई और ए क्या होगा, क्योंकि ये टॉप व्यू ये दिखेगा, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा डार्क होगा। ओके, तो आइए मैं इसे क्या करूँगा, डार्क कर लेता हूँ। तो ए ई डार्क होगा। ओके, अच्छा ई ई से क्या मिलेगा, तो ई से आइए देखते हैं, ई से डी मिलेगा। देखिए ई और डी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू तो हमें दिखेगा, मैंने आपको बता दिया टॉप व्यू क्या होगा, दिखेगा टॉप व्यू का जितना भी नेमिंग है दिखेगा आपको। ओके, अच्छा ए से क्या मिला हुआ है, तो ए से हम भी देख लेते हैं, ए से बी मिला हुआ है, ए से बी, तो ये भी क्या होगा, दिखेगा। तो ये भी आपका इस भी पेंसिल से, यानी पूरा पूरा एक लाइन होगा, ना कि डॉट डॉट लाइन होगा। ओके, तो ये आपका देखिए बन चुका है। अब क्या है, थ्री, थ्री से कौन सा लाइन जुड़ेगा, तो थ्री से फोर, तो थ्री से फोर। तो अब हम कैसे मिलाएंगे इसे, थ्री, ये देखिए थ्री, थ्री के साथ कौन सा है, फोर, तो मैं थ्री से फोर क्या करूँगा, मैं ये क्या होगा, डॉट डॉट लाइन होगा, क्योंकि ये बॉटम व्यू का नेमिंग था। ओके, मैंने वन टू थ्री फोर बॉटम व्यू में मैंने नेमिंग किया था, ये आपको याद रखना है। और क्या है, थ्री से टू, तो थ्री से टू भी क्या होगा, डॉट डॉट लाइन होगा, क्योंकि ये बॉटम व्यू है इसीलिए ये हमें नहीं दिखा प्रोजेक्शन में। ओके, कितना सिंपल था, कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। और थ्री से और कौन सा है, सी, ठीक है, तो ये थ्री से सी भी क्या होगा, डॉट डॉट लाइन में होगा। ओके ऑल राइट, तो ये भी क्या होगा भाई, डॉट डॉट लाइन में। तो ये देखिए हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, आपस में मिल जाएगा ई फाइव। ओके ई फाइव, ये देखिए ई फाइव, ई से क्या मिल रहा है, फाइव मिल रहा, और ए से वन। तो इसे भी मैं क्या करूँगा, ये तो डार्क हो जाएगा, ये क्या होगा हमें दिखेगा, इसे फाइव क्या होगा हमें दिखेगा, ये मैं डार्क कर दिया, और ए से वन भी क्या होगा हमें दिखेगा। तो अब आप जब देखिएगा तो ये अब आपको क्लियरली एक थ्री डी के रूप में आपको फिगर दिख रहा होगा। ओके, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये क्या आपको थ्री डी के रूप में फिगर दिख रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, तो ये अब हमारा प्रोजेक्शन था पेंटागोनल प्रिज्म का। सो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंडीशन दिया हुआ है कॉर्नर ग्रुप में, तो ये कॉर्नर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के जितने भी केस है उसमें जो होता है फ्रेंड्स, हमारा जो कंडीशन फिट होता है वो राइट साइड में फिट होता है। तो ये देखिए ये क्या है, राइट साइड में एक कॉर्नर के रूप में आया है। वट एक और फिगर मैं आपके पास लाया हूँ, ये देखिए ये भी राइट, ये लेफ्ट साइड या कॉर्नर के रूप में आया है, यानी ये फिगर इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, यही फिगर इस क्वेश्चन में बनेगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में कंडीशन जो होता है वो राइट साइड फिट होता है। ये देखिए ये क्या है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या है, एक साइड के रूप में, राइट साइड में क्या है, कॉर्नर के रूप में, यही क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला था। और एक बात और, यहाँ पे आपको एंगल दिखा देना, एंगल मैंने कितना लिया था, 45 डिग्री। सो अब मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।